वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। जब तक मैं वापस आऊँ तब तक वो मोहनलाल वाली फाइल कंप्लीट करके रखो। ओके, मैं आपसे चेक करूंगा, परसों उसकी कोर्ट में ट्रायल। नमस्कार वकील साहब। हाँ नमस्कार वकील साहब, मेरा नाम मदन है, मैं पास में ही शिवपुर सोसाइटी में रहता हूँ। ओके, बात यह है कि मेरे छोटे भाई ने धोखेबाजी से मेरे 70 लाख की जमीन हड़प कर ली है, इसी सिलसिले में आपसे बात कर रही हूं। हाँ पिताजी, क्या छोड़ के चली गई? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरे ये वकील साहब, आपको ये क्या हो गया? सर सर, अरे भाई साहब, ये क्या किया आपने? ऐसा क्यों बोला वो छोड़ के चली गई? अरे मुझे तो पिताजी का फोन आया था कि मेरी पत्नी मोनिका घर छोड़ के चली गई, तो उसे मेरी क्या गलती? अरे 3 साल पहले सबकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई थी, तब से वो गहरे सदमे में है और चली गई सुनते ही वो सुन हो जाते हैं। अब नॉर्मल होने में इसको 2-3 घंटा लगेगा। आप ऐसा कीजिए, शाम को 6 बजे आइए प्लीज। जी ठीक है। सर को तो अभी टाइम लगेगा ठीक होने में, क्यों ना तब तक उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूँ। प्रॉपर्टी की फाइल यहीं रखी थी मैंने, शायद ड्रॉअर के नीचे रखी थी, चेक कर लेता हूँ। ये रही फाइल, इसको ओरिजिनल के साथ बदल देता हूँ। सर सर सर, ओ आपको तो कोर्ट में जाना है ना केस के लिए। साइन करवा लेता हूँ। सर ये फाइल साइन करते जाइए, अभी तो अपन आता ही होगा। मगन अभी तो करोड़पति बन जाएगा, इस बेवकूफ को पता नहीं है कि ये किस फाइल पे साइन कर रहा है। ठीक है सर। ये सरबीना कितने बेवकूफ है, जल्दबाजी में सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। ठीक से साफ करना रे, एकदम चकाचक चाहिए। कल एक छमिया को ले जाना है इस बाइक पे। आ करे लाओ करे लाओ, इस उम्र में छमिया को घुमाने ले जाएंगे। अपुन कल्लू कानिया इस चंपू गैंग का एक में सरदार। आ सबको बताया, आगे बोलिए। ये लॉकडाउन ने तो अपुन के धंधे की पूरी वाट लगा दी है। किसी का किडनैपिंग मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट ले आओ तो अपुन का भी कुछ काम बने। अपुन कॉन्ट्रैक्ट लाए लाए, हेड़े को उठाने का है केविन नाम है इस बंदे का। हाय, इसको तो मैं जानता हूँ, ये बाजू वाली गली में रहता है। शाम 6 बजे रोज दौड़ने को निकलता है। बोले तो आज ही गेम बजा डालू।
भज्जा डालो। बॉस, अपुन ने इस साने को किडनैप कर लिया है, जल्दी से आ जाओ। अबे जल्दी से इसको अंदर डाल दे। चल चल जल्दी से बिठा चल। बैठ जाओ जल्दी से बैठ जाओ। उखड़ा तो दिखाओ केविन का, हम भी तो देखे शाना है कौन। अरे ये बहुत ही बड़ा अमीर आदमी है, इसकी दो किराए की गाड़ी है। किराए की गाड़ी? हाँ वो नहीं, किराए पे देते है गाड़ी। मन्ने इसको चेहरा दिखाओ, मारी आत्मा इसको चेहरा देखने को तड़पे से है। अचानक से राजस्थानी में क्यों बोल रहा है? क्या मेरे को क्या? अबे ये वो नहीं है जिसको किडनैप करने का है, कोई और है। अबे ये साला कौन है? अबे गेंदू, तूने बड़ी गड़बड़ कर दी। अबे कितनी बार बोला गेंदू नहीं गेंद मास्टर बोलो। अबे चुप हो जाओ सालो, अभी ये सोचो इसका करने का क्या है। भाई दिखने पर तो ये बेमालदार दिखता है, क्यों नहीं इसको पेस्टल भर से फिर मांगी जाए और बाद में केविन का भी किडनैप कर लेंगे। पहली बार कुछ सही बात बोले बाबू भाई ने, ये मुर्गी सोने के नहीं तो चांदी के अंडे तो देगी। हाँ भाई इसको कहीं दिखेला है। भाई अपुन ने भी इसको कहीं देखेला है। किधर देखेला है इसको? भाई याद आ गया, ये तो वही चे, कल इसकी फोटो देखी थी मैंने छापे में, इसके पास भी 5-6 कोके का माल तो अंदर ही होगा। अबे शाने जल्दी से तेरे घर का नंबर दे। भाई मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे प्लीज जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे? अबे जल्दी से फोन लगा वरना। मैं अपने ऑफिस का नंबर देता हूँ, मेरा असिस्टेंट मगन होगा वहाँ। तेरे स्पॉन्सर निकाल, तेरे स्पॉन्सर लगा, जितने देंगे उतने पैसे मिल जाएंगे। रुको जल्दी, तेरे स्पॉन्सर लगा जल्दी। हेलो अपुन, तेरे बॉस को किडनैप किया लाया। देखो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, अभी काम का टाइम है, काम खोटी मत करो यार। अबे ज्यादा शानपट्टी मत कर, अपुन मजाक नहीं कर रहे लाया। अच्छा हुआ बॉस किडनैप हो गए, अब तो सारे केस पे भी कब्जा कर लूंगा। लेकिन एक मिनट, तिजोरी का पासवर्ड तो बॉस के पास है और बॉस तो किडनैप हो गए। अबे सुन रहा है कि नहीं? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करना प्लीज, सर को कुछ मत करना। अब आए ना लाइन पे, फोन स्पीकर पे डालता हूँ, रुक। पैसा तिजोरी में है और तिजोरी का पासवर्ड तो सर के पास है, एक काम करो सर को फोन दो, मैं उसे पासवर्ड पूछ के आपको पैसा निकाल के दे दूंगा। तिजोरी में मेरा फेस लॉक है, मेरा चेहरा दिखने के बाद ही वो तिजोरी खुलेगी, तो मैं पैसा कैसे दूंगा? अबे येड़ा समझाए क्या, अपुन को 5 करोड़ चाहिए कल शाम तक, समझा क्या? लेकिन बॉस के बिना कैसे? वो अपुन कुछ नहीं जानता, उनको तेरे पास कल 5 बजे तक का टाइम है, अपुन को 5 करोड़ मांगता है वरना तेरा बॉस गया, समझा क्या? और एक बात याद रखना, सारा पुलिस स्टेशन में अपुन के पंटर लग गया, अगर तू कंप्लेन लिखवा जाएगा ना तो पकड़ा जाएगा। डीसीपी सर जी कहिए। मेरे सर का किडनैप हो गया है। बैठो आराम से फिर बताओ।
हाँ सर, मेरे सर एडवोकेट रमेश का किडनैप हो गया है, मुझे आज सुबह ही कॉल आया था। हाँ? बोल रहे थे उसके बदले 5 करोड़ चाहिए। लेकिन FIR तो लोकल पुलिस स्टेशन में लिखवाई जाती है, आप यहाँ क्यों चले? कोई मना कर रहा है क्या FIR लिखने से? नहीं सर, किडनैपर्स ने बोला है उसके आदमी हर पुलिस स्टेशन में है, और आप यहाँ नए नए ट्रांसफर होके आए, सो मैं सीधा आपके पास चला आया। एक मिनट। हेलो पांडे, जरा मेरी ऑफिस में आओ जल्दी। अच्छा आप एक काम करो, हाँ। वो किडनैपर्स का नंबर मुझे दो, और साथ में आपके बॉस की एक फोटो भी मुझे देना। ओके सर। और हमें आपकी डिटेल भी चाहिए होगी। ओके सर, ठीक है। जय हिंद, आओ बैठो यहाँ। जी आपने अपना नाम क्या बताया था? जी मगन। पांडे ये एडवोकेट रमेश सिन्हा। जी सर। हाँ उसकी कंप्लेन लिखवाना है, वो किडनैप हो चुके हैं, अभी उसकी सारी डिटेल कलेक्ट करो और इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। ये है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के इंस्पेक्टर कमलेश पांडे, इसे आप सारी डिटेल्स दे दीजिए। ठीक है। ओके सर, ठीक है। आज मैं साइबर क्राइम के ऑफिस में जाने वाला हूँ, आप बोलो तो ये नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो। ये लो। और है पकड़ो सालों को। वाह वाह ए, तेरे को क्या हुआ बे, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? साहब अपन बचपन से ऐसा ही इस चंपू गैंग का एक में सरदार कल्लू कानिया नाम है अपन का। तो तेरे पैर ऐसे ही है? नहीं साहब, बचपन में अपन पापा की फटफटी पे बहुत बैठता था, वो भी आगे 15 साल का हो गया तब भी आगे ही बैठता था, तब से अपन के पाँव ऐसे ही है। नहीं साहब, वो बचपन में अपन से कठन्नी खो गया था, तब अपन के बाप ने बोला जब तक कठन्नी नहीं मिले तब तक खाने को नहीं दूंगा, तब से अपन ऐसे ही चठन्नी ढूंढ रहा है। आपको मिले तो बोलना बाप को वापस लौटाने का, तभी अपन को खाने को मिलेगा। और ये छतरी? साहब ये अपन की माँ ने अपन को दिया था, तो अपन कभी इससे अपने से अलग नहीं होने देता। साहब अपन इस गैंग का पुराना लीडर बाबू खत्री। हाँ तो मैं क्या करूं? साहब मेरी उम्र हो गई है, अब रिटायर हो गया हूँ, इसलिए मैंने ही कल्लू को गैंग का लीडर बनाया है। अब तू कौन बे? साहब अपुन गेंद मास्टर, बोले तो बहुत ही बड़ा क्रिकेटर, अपुन एकदम मलिंगा की तरह बॉलिंग करता है। एक दिन एक बैट्समैन ने मुझे सॉलिड गुस्सा दिला दिया, मैंने गेंद मार मार के उसका सर फोड़ दिया। अपना मॉडल स्टाइल देख के बाबू भैया ने उसकी गैंग में रख लिया, तब से अपुन यही काम कर रहा है। पांडे इन सबको लॉकअप में डालो, और वो जो मैंने फाइल का बोला था ना तुम्हें, वो लेके आना, और मगन को भी साथ लेके आना। देखो मगन। जी सर। हमने तुम्हारे बॉस को छुड़वा दिया है। ओके। और किडनैपर्स को भी पकड़ लिया है। ओके सर। ये है फॉर्मेलिटी के कुछ पेपर्स, जी। इस पे आप साइन कर दो। ठीक है सर। हम्म,
क्या हुआ सर, आप लोग हंस क्यों रहे हो? रमेश इसका क्या करूं, इसको भी डाल दो जेल में, यही से छोड़ दूं। अबे साले अब तो नाटक बंद कर। इसको भी जेल में डाल दे सूर्या, मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प करने की कोशिश की है साले ने। ये क्या हो रहा है सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई समझाएगा मुझे? एक मिनट, मैं समझाता हूं। मैं एक साल पहले ही ठीक हो चुका हूं, ये बात मेरे और सूर्या के अलावा किसी को नहीं पता है। दरअसल उस दिन मैं अपना मोबाइल ऑफिस में ही भूल गया था। मोबाइल लेने के लिए वापस ऑफिस में जाके देखा। ये सरबीना कितने बेवकूफ है, जल्दबाजी में सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। उस रात मुझे रमेश का फोन आया था। अरे यार इस चंपू गैंग के कारनामे इतने बढ़ गए हैं ना, शहर में शांति नहीं है। ये लोग को तो कैसे भी करके पकड़ना ही पड़ेगा। रमेश का फोन। हेलो सूर्या। हाँ रमेश, इतने टाइम बाद। अचानक कैसे याद किया भाई? तेरी एक हेल्प चाहिए थी सूर्या। हाँ हाँ, मेरे असिस्टेंट मगन ने धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। ओह, धोखे से साइन करवा लिया रे। ऐसा है? और मैंने ही रमेश को खुद को किडनैप करने का आइडिया दिया था। कैसे भी करके प्रॉपर्टी वापस चाहिए यार। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ सुन, मेरे पास ना एक आइडिया है। और मैंने अपने एक दोस्त की फोटो चंपू गैंग को दे दी और उसको कहा कि ये बंदे को किडनैप करना है। जब चंपू गैंग उसको किडनैप करने के लिए गई, तभी मैंने केविन को इशारा किया कि तू निकल, मैं आ रहा हूं। गलती से चंपू गैंग ने केविन की जगह मेरा किडनैप कर लिया। क्या बात है सर, क्या प्लानिंग की है, एक तीर से दो निशाने। दो नहीं तीन बेटा। तीन कैसे? एक तो सर आपके बचपन के दोस्त रमेश भाई की जो प्रॉपर्टी थी उसके हाथ लग गई, दूसरा जिस चंपू गैंग को हमें तलाश थी वो पकड़ी गई, और तीसरा इस मगन जैसा साथी क्रिमिनल भी पकड़ा गया। इस हिसाब से तो तीन नहीं पाँच निशाने। तीन तो तूने बता दिए, चौथा मेरा प्रमोशन, पांचवा तेरा प्रमोशन। हाँ भाई कांग्रेचुलेशंस। सर इसको भी डालूं लोगों में क्या? नहीं नहीं, इसको तो मैं खुद जेल में डालूंगा, चल। चल चल सिद्धार्थ, जानदार भाग। अरे भाई आप तो ऐसे थे, ऐसे कैसे हो गए? अरे यार पिक्चर खत्म हुई तब तक कैरेक्टर में रहूंगा यार। अबे कितनी बार बोला जब तक कट ना बोलो तब तक कैरेक्टर में रहो, पता नहीं चलता है। कैमरा अभी चालू है, देख कट। कैमरा हम कोई नहीं जोवे, एक्शन। एक्शन। अब तू कौन बे साहब, अपन बोले तो गैंड मास्टर। बहुत बढ़िया। हमने काटी एक्शन।